गुड मॉर्निंग एवरी वन आज हमारी होमवर्क सीट थर्टी फोर है सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश एंड मैथ्स है क्लास नर्सरी इस वीडियो के माध्यम से बता रही हूँ पहला क्वेश्चन क्या है ए टू जेड ओरल ये और मतलब याद करना है से लेकर जब तक ए बी सी डी है इसको याद करना है जैसे ए फोर एपर बी फोर बोर सी फोर कैट डी फोर डॉग ई फोर एलिफेंट एफ फोर फिश जी फोर ग्रेफ्स एच फोर हैन, आई फोर आइसक्रीम जे फोर जग के फोर काइट एल फोर लॉयन एम फोर मंकी एन फोर नेस्ट ओ फोर ऑरेंज पी फोर पायलट क्यू फोर क्यून आर फोर रोज एस फोर स्वान टी फोर टाइगर यू फोर अमरेला वी फोर बैन डब्लू फोर वॉच एक्स फोर एस एम एस थ्री बाई फोर एक्स जैड फोर जैब्रा तो इस तरह से इसको याद करना है और क्वेश्चन नंबर टू राइट ए टू ई आपको क्या करना है ए से लिख के ई e तक लिखना है ए फोर एप्पल बी फोर बोल सी फोर कैट डी फोर डोग ई फोर एलिफेंट इतना आपको लिखना है इस तरह से ये करना है क्वेश्चन नंबर थ्री मैच ये है मैच तो इसमें आपको क्या करना है मैच करना है जैसे ए ए में मैच करना बी बी में मैच करना सी सी में मैच करना डी डी में मैच करना ई e, e में मैच करना एफ एफ में मैच करना जी जी में मैच करना एच एच में मैच करना यह इस तरह से इसको क्या है आपको ये लेटर्स हैं तो इसको आपको समझना है जैसे ए कैसे बनता है बी कैसे बनता है सी कैसे बनता है डी कैसे बनता है इस तरह से आपको ये समझना है लेटर को ई e कैसे बनता है एफ़ कैसे बनेगा जी एच कैसे बनेगा इस तरह से ये करना है? क्वेश्चन नंबर फोर सी द पिक्चर्स एंड राइट द फर्स्ट लेटर तो इसमें आपको जैसे मैंने ये पिक्चर्स दिया है तो इसका पहला फर्स्ट लेटर लिखना है जैसे मैंने ए से लेके आई तक लिखाया है तो उस तरह से आपको यहाँ पर लिखना है जैसे क्या सी फोर कप तो यहाँ पर सिर्फ सी आएगा बी फोर बैट यहाँ पर बी बी फोर बॉल यहाँ पर बी का एच फॉर हैं यहाँ पर एच जी फोर गोट गोट बिल्स बकरी तो जी बी फोर बुक और डी फोर डोल सी फोर कैट बी फोर बेल और एच फोर हट और एफ फोर फिश डी फोर डोग तो इस तरह से करना है इसको लिखना है क्वेश्चन नंबर फाइव क्या राइट वन टू तो टेन काउंटिंग आपको बंद से लेके टेन तक काउंटिंग लिखना है जैसे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इस तरह से ये लिखना है थैंक यू